गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा लग रहा है मुझे आपको दोबारा देखते हुए। और कैसे जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स? कोशिश मेरी पूरी है आप सभी को इंग्लिश के जितने भी नए नए टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करने के लिए। मैं चाहता हूं कि आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंक्स हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, डबल ए हो, एमआर हो, आप सब में झंडे फतेह कर दें, खासकर सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए। अभी मुझसे कुछ बच्चे मिले, कहते हैं सर बड़ी समस्या हो रही है इंग्लिश में, बड़ी समस्या हो रही मैथ्स में। तो क्या ऐसा है रखा है इंग्लिश में, क्या ऐसा रखा है मैथ्स में? सर एक है कंसेप्ट। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आप पा ना सकें। ठीक है बच्चों, एग्जाम्स के लिए हमेशा प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। आज का जो मेरा टॉपिक है, बेसिकली मैं आप सबके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कई बच्चों ने बहुत प्यार किया, कई बच्चों ने मुझसे बोला कि सर बड़ी समस्या हो रही इंग्लिश में, मैं कैसे अचीव करूँ, क्या अचीवमेंट करूँ या कैसे मैं इस दिक्कत को दूर करूँ। एक बच्चा मुझसे आज सुबह मुझसे पूछता है कि सर मुझे टेंस ही नहीं क्लियर हो रहा है और उसका कल एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो बेटे हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आप होपलेस मत होइए। खासकर मुझे इंग्लिश में बड़ा डर लग रहा है, अरे क्यों डरना, ऐसे सब्जेक्ट से क्यों डरना? आपको मैं इस हिस्टोरिकल क्लासेस में इस डर को उखाड़ के फेंक दूंगा। आप एक दिन खुद कहेंगे कि वास्तव में क्या इंग्लिश है, इंग्लिश में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ विजुलाइजेशन करना है आपको। मैं आपको विदाउट पेन एंड पेपर सिर्फ विजुलाइज कराऊंगा, सेंटेंस आपके सामने नाचेंगे। सिर्फ एक चीज समझना है, इंग्लिश की पूरी भाषा को एक ही सेंटेंस में समझा दूंगा कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। इसी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के आधार पर सारे सारे सेंटेंस में एरर निकलती है। तो बच्चों घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। ये हिस्टोरिका ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ है, मैं आपके साथ ये वचन देता हूँ, ये वादा निभाता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको वो चीज़ दिखा दूंगा जो आपने कभी भविष्य में सोचा नहीं होगा। इंग्लिश का डर हमेशा के लिए साफ, हमेशा के लिए। इवन आप बैंक सीओ की तैयारी कर रहे हैं, बैंक क्लर्क तय कर रहे हो, और विश्वास मानिए मैं जो तैयारी कराऊंगा आपकी एसएससी की, उसमें आप अप टू मेंस तक 200 क्वेश्चन मेंस में आते हैं, आप मेंस को भी कम से कम 190 तक टारगेट करेंगे। ये मेरा प्रयास होगा। इसलिए सभी प्यारे बच्चों खूब बढ़िया से स्टार्टअप करना है, इंग्लिश से भयभीत नहीं होना है। उसके लिए मैं बैठा हूं और हिस्टोरिका ऑनलाइन क्लासेस है, आप बस जुड़े रहिए। इसके लिए हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, उस प्रोग्राम को आपके पर्पज से चढ़ गया। कई लोगों ने मुझसे कहा कि भैया डाउट रहते हैं, ये समस्याएं कैसे दूर होंगी, एक दिन में क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, और नए नए इश्यूज, नए नए आपके पास जब क्वेश्चन आते हैं तो बड़े डाउट, भैया इसमें ये रूल लगा, इसमें ये लगा, तो उसको कैसे इंप्रूव करें? देखिए इंप्रूव करने का सिर्फ एक ही टेक्निक है, प्रैक्टिस। इंग्लिश सिर्फ एक चीज़ मांगती है, कंसेप्ट क्लियर हो और प्रैक्टिस हो, फिर आपके सामने कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा या कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसे आप हिला ना पाए। इसलिए मैं अभी कुछ दिन में, आपके कई लोगों ने बोला कि भैया क्लासेस खूब अच्छे से होनी चाहिए और प्रैक्टिस शीट खूब होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपके लिए कोर्स लेके आ रहा हूँ। आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, आपको इंग्लिश के डर से बाहर निकाल के मुझे रखना है। तो इसलिए इस कोर्स को मैं अभी जल्दी ही कुछ दिनों बाद लॉन्च करूँगा, और लेकिन इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। और इसके लिए एक विशेष रूप से ये प्रोग्राम जो मैं चला रहा हूँ, आपको इंग्लिश किसी भी लेवल का, NDA हो, CDS हो, SSC हो, बैंक PO, whatever, आप जब इस क्लास से जुड़ेंगे आपको एहसास होगा कि हाँ हमने गलती नहीं की इस क्लास से जुड़ करके। मेरा पर्पस एक नई क्लास कंडक्ट करने का है, वो क्लास जल्दी स्टार्ट होगी। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रोफार्मा क्या है। अभी कुछ दिनों में आपके पास एक मैसेज आएगा, जो बच्चे मेरे से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हम पेड कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही कम फीस में, बहुत ही कम। आप ये सोचिए कि आप घर से बाहर निकलते हैं और चौराहे पहुंचते हैं, बर्गर खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, और 100 रुपये आपके ख़त्म, कुछ मिलता नहीं, उल्टा शरीर को नुकसान होता है। लेकिन मैं आपको वो चीज़ ला के दिखाऊँगा कि आपको लगेगा हाँ वास्तव में कुछ नॉलेज मिला, और वो नॉलेज आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगा और आप एक दिन ज़रूर इंग्लिश के भय से बाहर निकल आएंगे। ये मेरा विश्वास है, आप मेरी बात को समझिएगा और प्लीज़ इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। कोर्स की फीस जो रखी गई है वो 6 मंथ का कोर्स है। हमने उस 6 मंथ के कोर्स में आपके SSC, बैंक्स, POs जितने भी आपके हैं वो सब के सब कंप्लीट कराए जाएंगे। मींस कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज इस कोर्स में 6 महीने के भीतर ख़त्म होगा। आपको शीट प्रैक्टिस मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ऑनलाइन क्लास में डिस्क्रिप्शन होगी,
ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के भीतर पूरा पूरा कोर्स हम खत्म कराएंगे। फीस इनिशियल रूप से 1000 रुपीज़ रखी गई है, लेकिन जो पहले 50 बच्चे आएंगे उनके लिए हमने एक डिस्काउंट छोड़ा है। 6 मंथ की फीस ओनली ₹500, ओनली ₹500 फॉर 6 मंथ। आपको उस 500 रुपीज़ में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे जो आपने सोचा नहीं होगा, ऐसे ऐसे फीचर्स आपको मैं दिखाऊंगा। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है, आप इंग्लिश के डर से बचने के लिए कहीं भागिए मत, इस हिस्टोरिका ऑनलाइन क्लासेस में आइए, मुझे ज्वाइन कीजिए और पूरी पूरी गाइडलाइन पहले 50 बच्चों के लिए सिर्फ मात्र 6 महीने का कोर्स ₹500 में ला रहा हूँ। आप सभी लोग से उम्मीद है कि आप सभी इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और पूरा पूरा जो सिनेरियो ग्रामर का है उसको जरिए से पूरे ग्रामर के एरर को रिमूव करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें आपको 5 डेमो क्लासेस भी कंडक्ट करूँगा, आप डेमो क्लास को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही जैसा आपका रिस्पॉन्स आपको अच्छा लगता है तो आप रिस्पॉन्स करके उस पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आपको 5 डेमो क्लासेस मिलेंगी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको कोई भी डाउट इस समस्या संबंधित हैं आप मुझको रिप्लाई में, चैट में आप भेज सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी से उम्मीद है कि मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, आपको नए नए तरीके से मैं इंग्लिश में रुझान दिखाऊंगा। पेपर पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, मैं आपको विजुलाइजेशन टेक्निक से पढ़ाऊंगा। सिर्फ आपको देखते ही स्ट्रक्चर ऐसे नाचते हुए नजर आएंगे, आप कहेंगे सर इसमें तो ये गलती है, सर इसमें तो ये गलती है। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे बेस्ड पूरी पूरी कंसेप्ट होगा मेरा। और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी SSC CGL का बेच हुआ, कई बच्चे मुझे मिले कि सर पेपर तो बहुत अच्छा था लेकिन हमने कैलकुलेट नहीं कर पाए टाइमिंग को और 200 क्वेश्चन हम 2 घंटे में पहुंच नहीं पाए। तो बेटा इसके लिए सिर्फ यही चीज़ है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस और जो भी आपने टाइम में ऑनलाइन पेपर लगाए या नहीं लगाए इसकी वजह से, नहीं तो ऐसा कोई भी बड़ा इशू नहीं है, आराम से आप 200 क्वेश्चन को 2 घंटे में देख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए कोर्स कंडक्ट कर रहा हूँ मैं और इसके लिए आपको 5 डेमो क्लास मिलेगी। पहले 50 बच्चों के लिए ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ ₹500 में आपको देना है, और उसके बाद पहले 5 डेमो क्लासेस आप कंडक्ट कीजिए, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स जैसा होगा और फिर आप इस पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और मुझे विश्वास है आपके सामने इंग्लिश जो इतना बड़ा हवा दिखता है वो कुछ नहीं रहेगा और बड़े आराम से आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। कोई भी एग्जाम NDS CDS मैं पूरा ग्रामर होल ग्रामर विद प्रैक्टिस सीट्स आपको कराऊंगा, ठीक है। आज कुछ देखते हैं, कुछ नया सीन है, कुछ नए इवेंट्स हैं, उसको हम देखेंगे समझेंगे क्या क्या मैं इस कोर्स में कंडक्ट कराऊंगा, कैसे कैसे मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा और क्या क्या सिलेबस मेरा होगा। इसको एक बेसिक अप्रोच देख लीजिए, जब हम ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर में कई बच्चों के साथ समस्याएं आती हैं, सर वोकैबुलरी, सर ये याद नहीं हो रहा है। मैं आपको रूट वर्ड्स और ट्रिकी अप्रोच के माध्यम से इसको डेली, विश्वास मानिए जितनी जितनी बार आप पढ़ते जाएंगे आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा और जो भी होगा वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे। सेकंड थिंग, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर SSC Tier 3 में क्या होगा, तो कोई बात नहीं, SSC Tier 3 हो या कुछ लोग ICC banks के पेपर देते हैं तो उसमें आपको कुछ टाइप करना पड़ता है, लेटर वगैरह टाइप करना पड़ता है, तो आपके मैं लेटर या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो भी आपका है ये मैं आपको सिखाऊंगा। और थर्ड रूल्स, इन 3 चीज पे बेस्ड होगा हमारा पूरा पैटर्न। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रूल से, जैसे पूरे पूरे पार्ट ऑफ स्पीच, एग्जांपल जैसे नाउन हुआ, नाउन की पहले थ्योरी, उसके बाद 5 मिनिमम 5 सीट्स आपको आपके व्हाट्सएप पे, आपके मेल पे फॉरवर्ड की जाएंगी। बाकी ऑनलाइन क्लासेस तो हम देते रहेंगे, पेड कोर्सेज पे आपको निश्चिंत होकर के बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे, जो बहुत सारे डाउट्स हैं जो आपने कभी डाउट्स देखे नहीं है। मैं नरेशन में ऐसे ऐसे डाउट दिखा सकता हूँ कि बच्चे कहेंगे सर होना तो ये चाहिए था और हुआ ये, तो जो ये होना वो होना ये भी हम वहाँ पर दूर करेंगे। तो प्यारे बच्चों कनेक्ट रहिए, इस पेड कोर्स को मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, इस पेड कोर्स से जुड़े रहिए, इस पेड कोर्स को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए और मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने बाद आप कोई भी एग्ज़ाम उठाएंगे, इवन विद इन 6 मंथ आपका कोई एग्ज़ाम होगा आप लगभग इंग्लिश का आधा सिलेबस के ऊपर कवर कर चुके होंगे और आपको एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर हेल्प मिल जाएगी।
बैंक पीओज हो या एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, इंग्लिश का हुआ आप दिमाग से शांत कर दीजिए। स्टे विद मी विद आनंद सर, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अप्रोच करनी है, ठीक है? गॉट इट माय पॉइंट? थोड़े से टॉपिक देख लेते हैं मैं इसमें क्या क्या चीजें कवर करूंगा। वो टॉपिक्स आपके होंगे जैसे रूल्स में जब हम बात करेंगे तो हम एक साथ नाउन को, प्रोनाउन को और आर्टिकल को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? ये हमारा होगा सबसे पहला टॉपिक। मींस जब हम नाउन पढ़ लेंगे फिर उसके बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके बाद आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि नाउन में हमें कुछ अनकाउंटेबल नाउन मिल जाते हैं और उस अनकाउंटेबल नाउन की एक विशेषता होती है कि अपने साथ कुछ आर्टिकल्स नहीं लेते हैं। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि भैया हमने ये पढ़ा था आर्टिकल में लेता है लेकिन यहाँ पर नहीं लेता। तो प्यारे बच्चों आप निश्चिंत रहिए, ये टेक्निक होगा मेरा, पहले नाउन फिर प्रोनाउंस फिर आर्टिकल्स और फिर उसके बाद एक कंप्लीट सीट इस पे बेस्ड, ताकि कभी भी सब्जेक्ट की शुरुआत, आपको पता है नाउन प्रोनाउंस होता है, कभी भी आपके दिमाग में डाउट नाम की चीज ही ना रहे। गॉट इट? सेकंड थिंग, हम फिर पढ़ेंगे एडजेक्टिव, फिर पढ़ेंगे एडवर्ब, फिर पढ़ेंगे वर्ब, ये एक साथ, और जब ये तीनों पढ़ लेंगे तो साथ में इसके प्रीपोजिशन। गॉट इट? ये मेरा एक अप्रोच है आपको पूरी तरह से नॉलेज को अप्रिशिएट करने का। घबराइए बिल्कुल नहीं। अभी कुछ एग्जाम्स हुए जैसे एसएससी सीजीएल, कई बच्चों ने कहा कि सर हमने 130 35 136 किए। नहीं बेटा, आप अगर उस पर 170 प्लस 80 प्लस नहीं करेंगे तो ये सिलेक्शन को नहीं शो करेगा। इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको इनडायरेक्ट सिर्फ एक सेकेंड से ज़्यादा नहीं 5 सेकेंड के भीतर टिक कर देना है, कैसे आपको वॉइस कॉल करना है, कैसे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, कैसे आपको पैसेज की थीम पकड़नी है विद टाइम बाउंडेशन। जब तक टाइम मैनेजमेंट आप नहीं करेंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं सकता। सिलेक्शन पाना है तो सिलेक्शन के लिए एक जिद, एक होड़ का होना बहुत जरूरी है, और मैं आपके साथ हूँ। मैं इस पेड कोर्स को ला करके आपके साथ खड़ा हूँ, आप मेरा सहयोग करिए और मैं आपके साथ इंग्लिश का हवा, इंग्लिश का भूत बिल्कुल फिनिश। गॉट इट? तो स्टार्ट करते हैं, कुछ आज के एक टॉपिक आपको पढ़ाते हैं। तो अभी तक ग्रामर में कई बच्चों के डाउट्स आ रहे थे मेरे पास कि भैया नरेशन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं। तो बेटा नरेशन को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप घबराइए मत नरेशन से। नरेशन को करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक कुछ बातें हैं जो मेरी अप्रोचेस हैं। देखिए दुनिया में जो सेंटेंस बना वो सेंटेंस सिर्फ तीन चीज से मिलके बना, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। जब दुनिया में सेंटेंस को बनाया गया तो सेंटेंस सिर्फ तीन चीज से मिलके बना, एक सब्जेक्ट से, एक वर्ब से, एक ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली सब्जेक्ट को जब इंग्लिश में डिफाइन किया गया तो सब्जेक्ट बनता है या तो नाउन से या तो प्रोनाउन से, ठीक है? आपने हमेशा बचपन से किताबें पढ़ी हैं, वंस अपॉन टाइम देयर वॉज अ किंग, तो देयर यहाँ पे नाउन आ, प्रोनाउन आपका रहा है, राम इज अ गुड बॉय, इसमें राम एक नाउन है, ठीक है? तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सब्जेक्ट की जो शुरुआत होती है बेसिकली नाउन या प्रोनाउन से होती है। गॉट इट? लेकिन एक तीसरा भी है, वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये क्या भला है? सर मार्केट में आप जाते हैं तो सिगरेट की डिब्बी में लिखा होता है स्मोकिंग इंजरस टू हेल्थ। स्मोक तो क्रिया है, इट्स अ वर्ब, तो हाउ कैन इट बी वर्ब? ये वर्ब कैसे बन सकता है? तो यही नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो स्मोक ना होकर के स्मोकिंग है। स्मोकिंग का मतलब है जीरण, जीरण पार्टिसिपल, और थर्ड वन इज इन्फिनिटिव। ठीक है,
जीरण क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये भी वर्ब जब पार्टिसिपल को हम पढ़ते हैं तो पार्टिसिपल फर्दर तीन पार्ट में आता है, एक है आपका प्रेजेंट, एक है आपका पास्ट, एक आपका है परफेक्ट। अप्रोचेस हमारी इसी टेक्निक पे बेस्ड होगी जो मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा। सेंटेंस को देखना है, सब्जेक्ट किससे बना, वर्ब किससे बना, ऑब्जेक्ट किससे बना, यही टेक्निक पे मेरा पूरा पूरा कोर्स रहेगा। आपको कॉपी पेन कुछ भी नहीं उठाना है, सिर्फ देखना है क्या है क्या है क्या है, इसकी प्रॉपर्टी को मैं आपके माइंड में सेट करूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे से जुड़े रहने का है। गॉट इट? तीसरी है इन्फिनिटिव, जो जिसे हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये टॉपिक तो उसमें आप इससे कनेक्ट रहेंगे, बस इसको देखना है और सारे सारे रूल्स को फॉलो करते चले जाना है। तो बच्चों घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। इस पेड कोर्स को मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। हिस्टोरिका ऑनलाइन क्लासेस में इस क्लास को कंडक्ट करने का बहुत ही बेहतरीन मौका मिला है। सभी लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में जुड़िए ताकि मैं इसको और अच्छे वे में ला सकूँ। शुरुआत के 50 बच्चों के लिए ये कोर्स मात्र 500 रुपये में, विद इन 6 मंथ आपका कोर्स कंप्लीट होगा विद प्रैक्टिस सीट्स। आपको प्रैक्टिस सीट आपके ईमेल पर, आपके व्हाट्सएप पे, या आप यहाँ का एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक दे देगा, वहाँ से आप भी सीट्स उठा सकते हैं। कोई भी डाउट है रिप्लाई कीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए। मैं और हिस्टोरिका ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरह से आपकी मदद को तैयार है। आप बेहिचक मैथ्स और इंग्लिश के डर से आप बिल्कुल घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। और जल्द से जल्द, जितनी जल्दी होगा, आप मेरी 5 डेमो क्लासेस को देख करके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए ताकि मैं जल्दी जल्दी आपसे जुड़ सकूं और नए नए प्रैक्टिस सेट आपको लगा सकूं। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।